মহিলাদের লোন প্রদানকারী এক মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির এক কর্মী 17 জন মহিলার 5 লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে বলে কালচিনি থানায় অভিযোগ হলো। বুধবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কোর্টে পাঠালো কালচিনি থানার পুলিশ। কালচিনি এলাকার এক মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির কর্মী এলাকার 17 জন মহিলার লোনের ইএমআই টাকা মোট 5 লক্ষ নিয়ে চম্পট দিয়েছে বলে গত 24 মে কালচিনি থানায় অভিযোগ করা হয় উক্ত মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির কর্তারা। তদন্তে নেমে পুলিশ কোচবিহার থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি অতুল বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে, বুধবার আলিপুরদুয়ার কোর্টে পাঠিয়েছে। भी एक असम में अरेस्ट हुआ कोई ग्रुप का सुने फ्रॉडिंग कुछ केस है सर, क्या विषय थोड़ा बताइए। इसका हम लोग को लास्ट 24 तारीख को एक कंप्लेन आया था। एक हमारे यहाँ पे एक ये है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड लोग की कंपनी है जो वुमन लोग को लोन देता है। तो यहाँ का ब्रांच मैनेजर ने कंप्लेन किया था, रिटर्न कंप्लेन। तो उसका एलिगेशन था कि उन लोग का एक कलेक्टर है, वो जो वुमन लोग से जो उन्होंने लोन लिया उसमें कलेक्ट करने का एक स्टाफ है अतुल बर्मन बोल के, वो आपका फालाकटा सेट का रहने वाला है। तो उसने करीब 17 मेंबर्स से पैसा कलेक्ट किया था जिसका अमाउंट आपका ऑलमोस्ट 5,12,000 जैसा अमाउंट एक है। तो ये अमाउंट उसने कलेक्ट करके वो फरार हो गया था। तो इसी के बेसिस में हम लोग ने केस इनिशिएट किया था। तो करने के बाद कल कोचबिहार से इसको हम लोग अरेस्ट किए हैं, आज कोर्ट को फॉरवर्ड किया, आज रिमांड में आएगा ये लड़का, फिर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यू बांग्ला टीवी हृदय छुए जाए।